तो हेलो दोस्तों यार, तो कैसे हो आप सभी लोग। सो गाइस, टीवीएस अपाचे RR 310 जो है अभी एक न्यू अवतार में इंडियन मार्केट में लॉन्च हो चुकी है। एंड ये जो गाड़ी है, हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से इस गाड़ी को बनाया नहीं गया है। एंड आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्या कुछ इस गाड़ी में अभी आप लोगों को मिलेंगे जो कि पिछले वर्जन में नहीं मिलते थे, एंड या फिर क्या कुछ इसमें मिलने चाहिए थे इसके प्राइसिंग के हिसाब से। सो अगर आप लोग चैनल पर नए हो, ये रिक्वेस्ट है आप सभी से, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन भी दबा देना एंड वीडियो को जो है एंड तक देखना। ज़्यादा नहीं, 3 से 4 मिनट की वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो होने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस गाड़ी का जो प्राइसिंग है, ठीक है। हर कोई यार मतलब कि लास्ट में ही प्राइसिंग बताता है, लेकिन मैं पहले ही बता रहा हूँ इस गाड़ी का जो प्राइसिंग है। एक शोरूम जो है 2,59,000 एक शोरूम इस गाड़ी का प्राइसिंग रहने वाला है। एंड काफ़ी कुछ जो है इम्पोर्टेंट जो है इसमें आप लोगों के साथ चेंजेस किया गया है। तो सबसे पहली चेंज को अगर हम लोग देखें तो इसमें आप लोगों को एक न्यू कलर स्कीम ऐड किया गया है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, व्हाइट रेड एंड ब्लू में। ये एक रेसिंग एडिशन है जो कि ट्रैक में ही यूज़ होता है। एंड ये मेरे को जो है पर्सनली बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। काफ़ी एक मतलब कि अनयूजल जो होता है ना, उसी टाइप का इस गाड़ी को बना दिया गया है इसका स्टिकरिंग में, इसके कलर स्कीम में। लेकिन इसमें आप लोग देख सकते हो जो साइड में यहाँ पे जो ब्लैक कलर खड़ी है, उसका जो कलर है कितना एग्रेसिव दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें जो है इतना एग्रेसिव दिखाई नहीं दे रहा है। इतना अच्छा भी इसका लुक्स नहीं लग रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे दूसरी अगर हम लोग चेंज की बात करें, इसमें जो है आप लोगों को जो है एग्जॉस्ट मफलर है उसको चेंज्ड आप लोगों का मिलेगा। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे जो है सिल्वर कलर का आप लोगों को एक मफलर मिलेगा, जो कि अच्छा लग रहा है। हम लोगों के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से इसमें आप लोगों को ऐसा चेंजेस नहीं मिलने वाला है। मतलब कि आप लोग सोच लो 100% 80% आप लोगों को चेंजेस जो है नहीं मिलेंगे, बस 20% जो चेंजेस है आप लोगों को मिलने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है आप लोगों को एक जो नॉर्मल वाला मफलर है उसको चेंज करके थोड़ा सा एक अच्छा, मैं बोलूँगा ठीक ठाक लग रहा है ये मफलर, पिछली वाली से तो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। ऐसा कुछ आप लोगों को मफलर मिलने वाला है। एंड कलर स्कीम जो है मेरे को अच्छा नहीं लगा, ठीक है। तो तीसरी अगर हम लोग तीसरी चेंज की बात करें, तो इसमें जो है आप लोगों को अभी अगर हम लोग रियर और फ्रंट की जो सस्पेंशन है, रियर में आप लोगों को जो सस्पेंशन एंड फ्रंट में सस्पेंशन है, वो अभी आप लोगों को एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलने वाले हैं फ्रंट में भी एंड रियर में भी। फ्रंट में आप लोगों को USD सस्पेंशन जो मिलते हैं वो भी एडजस्टेबल मिलेंगे, एंड रियर में जो है आप लोगों को मोनोशॉक सस्पेंशन जो मिलता है वो भी अभी आप लोगों को एडजस्टेबल मिलने वाला है, ठीक है। एंड फिफ्थ चेंज की अगर हम लोग बात करें, तो इसमें जो है आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा एक्सेसरीज़ के हिसाब से मिलने वाला है। मतलब कि 20 से 22-25 हज़ार के आसपास आप लोग इसमें एक्स्ट्रा एक्सेसरीज़ लगा सकते हो। जैसे कि पहली अगर हम लोग बात करें, तो इसमें जो है आप लोग रेड कलर का एलॉय व्हील अगर आप लोगों को करवाना है तो 1500 के आसपास इसमें आप लोगों को देना पड़ेगा। एंड जो ये जो रेसिंग एडिशन है, इसके लिए आप लोगों को 4,500 रुपया इसमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, जो कि नॉर्मल वाली में जो 2,59,000 जो था एक्स्ट्रा आप लोगों को 4 से 5 हज़ार इसमें देना पड़ेगा, ये जो रेसिंग एडिशन है, ठीक है। जो तीसरी जो चेंज है, इसमें जो है आप लोगों को जो मीटर कंसोल है, मीटर कंसोल में अभी आप लोग जो है काफ़ी अच्छा खासा फीचर्स अभी मीटर कंसोल में आप लोगों को देखने को मिलेगा। एंड ये जो है ये आप लोगों को एडिशनल एसेसरीज़ के हिसाब से लेना पड़ेगा, आप लोगों को डायरेक्टली यहाँ पे कंपनी की तरफ से नहीं मिलेगा, आप लोग इसके एसेसरीज़ के हिसाब से लेना पड़ेगा आप लोगों को। एंड जो अगर हम लोग फीचर्स की बात करें, जो आप लोग यहाँ पे जो है आप लोग डायरेक्टली इसको फ़ोन पे कनेक्ट कर सकते हो। एंड जो अपना पेपर्स वगैरह है, गाड़ी का जो पेपर्स वगैरह है, उसको आप लोग डायरेक्टली उस ऐप के द्वारा दिखा सकते हो, या फिर आप लोग स्क्रीन पे ही आप लोग दिखा सकते हो। आप लोगों को जो झंझट था, जो आप लोगों को पेपर वगैरह लेना पड़ता था, उसका जो झंझट है अभी नहीं रहने वाला है। आप लोग डायरेक्टली इसको इसके स्क्रीन में ही दिखा सकते हो। बस इतना ही चेंजेस था। मेरे को जो लग रहा था कि यहाँ पे जो पावर अच्छा खासा आप लोगों को मिलने वाला है, हम लोगों को मिलेगा, लेकिन पावर जो है सेम वही मिल रहा है, ठीक है। मेरे को लग रहा था कि 40 BHP के आसपास इसमें आप लोगों को पावर मिल जाएगा, लेकिन पावर जो है सेम मिल रहा है, तो काफ़ी बड़ा एक डिसअपॉइंटमेंट है। एंड लास्ट में जो है मैं अभी ऑन रोड प्राइसिंग की बात करता हूँ, ठीक है। ऑन रोड जो प्राइसिंग, अगर आप लोग एसेसरीज़ वगैरह लगा दोगे ना, तो 3,20,000 से 30,000 के आसपास इसका मतलब कि ऑन रोड प्राइसिंग हो जाएगा, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगा हो रहा है मेरे हिसाब से। 310 cc के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा महंगा हो रहा है, 3,20,000। मतलब कि आप लोग समझ लो कि इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा KTM Duke 390 है, जो कि आप लोगों को अच्छा खासा पावर देता है, ठीक है।
सबसे मतलब कि 400 सीसी के अंदर आप लोग अगर किसी को सबसे ज़्यादा पावर चाहिए तो आप लोग ज़रूर इसको छोड़ के, इस गाड़ी को छोड़ के, वो हालांकि वो नेकेड है लेकिन उसमें जो पावर है इसमें बिल्कुल भी उतना पावर नहीं है। ठीक है, मेरे को लग रहा था कि काफ़ी लोगों को यही लग रहा था, मेरे को ही नहीं, कि इसमें हम लोगों को अभी जो है पावर अच्छा खासा मिलेगा, लेकिन जो है काफ़ी बड़ा डिसअपॉइंटमेंट कर दिया TVS के तरफ से। सो बस गाइस, आज का वीडियो बस इतना ही था। आप लोग मेरे को कमेंट्स में बताना कि इस गाड़ी को जो है, जो न्यू लॉन्च हुई है, आप लोग 10 में से कितना स्टार इस गाड़ी को देने वाले हो, मेरे को ज़रूर कमेंट्स में बताना। एंड वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा, ज़रूर वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। एंड चैनल पे अगर आप लोग नए हो, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।